हमारी भारत से रेल के तो बहुत सारे ब्लॉग बन गए, वीडियो बन गए, लेकिन इस खड़गपुर स्टेशन के बारे में भी एक वीडियो तो जरूर बनता है क्योंकि ये खास है। खड़गपुर स्टेशन में आप एंट्री करते ही यहाँ ठीक आपको सामने में टिकट काउंटर देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे रिजर्वेशन कर सकते हैं या अनरिजर्व के टिकट ले सकते हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं काफी सुंदर अच्छी तरीके से बनाया गया है स्टेशन को। इस तरफ देखिए पार्किंग की सुविधाएं भी है, पिक एंड ड्रॉप की सुविधाएं भी है। तो चलते हैं अंदर में, ऐसा कुछ है स्टेशन, काफी देखने में सुंदर सा लग रहा है। इस खड़गपुर स्टेशन में आपको एक्सीलेटर की सुविधाएं भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ है, बंद रखा गया है या फिर हो सकता है कुछ खराब हो इसलिए बंद कर दिया गया है। खड़गपुर स्टेशन के पुल से ठीक आपको ऐसे कुछ देखने को मिल जाएगी जो कि देखने में काफी ही सुंदर लग रहा है, ये देखिए आप। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म के तरफ में और प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ बताते हैं आपको। यहाँ पे आपको लिफ्ट की सुविधाएं भी देखने को मिल जाएगी। तो चलते हैं 5 और 6 के तरफ में, ये रहा 5 और 6 और ठीक उस तरफ 7 और 8 है। तो चलते हैं 5 और 6 में। खड़गपुर रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड है KGP, और यहाँ पे इसी जगह पे महेंद्र सिंह धोनी जी 2001 से लेकर 2003 तक सबसे पहले जो काम किए थे सरकारी नौकरी रेलवे में TTE थे, वो यही इसी जगह पे थे खड़गपुर रेलवे स्टेशन में। यहीं पे उन्होंने 2 साल TTE की नौकरी की है 2001 से लेकर 2003 तक, और फिर उसके बाद वो फिर यहाँ से चले गए। ये ऐसा तो आपने मूवी में देखा और मैंने भी मूवी में देखा, फिर उसके बाद क्रिकेट में जाकर जोड़ दिए, फिर उसके बाद आज क्रिकेटर है। 2013 तक भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म खड़गपुर स्टेशन ही हुआ करता था, लेकिन फिर गोरखपुर स्टेशन को एक्सटेंड किया गया और फिर गोरखपुर स्टेशन पहले नंबर पर चला गया और दूसरे नंबर पर कोलम जंक्शन चला गया और फिर तीसरे नंबर पर खड़गपुर जंक्शन आ गया। तो ऐसा कुछ है हिस्टोरी। तो ये स्टेशन सबसे पहले नंबर पर हुआ करता था प्लेटफॉर्म के मामले में, और गोरखपुर जंक्शन बनने के बाद और कोलम जंक्शन को बढ़ाने के बाद ये तीसरे नंबर पर चला आया हमारा खड़गपुर जंक्शन। खड़गपुर जंक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 भाषा में लिखा हुआ है, पहला बंगाली, फिर उड़ीसा यानी कि उड़िया, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश। तो ऐसा कुछ है। और खड़गपुर जंक्शन 2 चीज़ों के कारण जानता है, यानी कि 2 कारणों की वजह से जाना जाता है। यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी जी TTE का काम करते थे और ये इंडिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुआ करता था एक टाइम पे, पर 2013 के बाद गोरखपुर स्टेशन बनने के बाद ये स्टेशन तीसरे नंबर पर चला गया। खड़गपुर स्टेशन में टोटल 12 प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे 1 1A और 3 3A एक ही लाइन में है, और 2 2A और 4 4A एक ही लाइन में है, और 5 6 7 8 अलग अलग है। तो टोटल 12 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। देख लीजिए ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है स्टेशन, और इस तरफ भी देख लीजिए। ये आप देख सकते हैं 2 2A इस तरफ है, 4 4A इस तरफ है, और ठीक इस तरफ आगे आएंगे तो ये रहा 1 1A इस तरफ और 3 3A इस तरफ है। ऐसा कुछ है। इस वाले खड़गपुर स्टेशन में आपको सबवे भी देखने को मिल जाएगी, देखिए सबवे के अंदर हम जा रहे हैं, काफी सुंदर सा है। तो देख सकते हैं अभी हम सबवे के अंदर में है, ऐसा कुछ है देखने में। अभी पूरी तरीके से लाइट नहीं जला गया है, और इस तरफ भी देख लीजिए। तो बस आपको दिखाना था, और अभी अभी तो प्लेटफॉर्म के अंदर से आए ही, तो चलते हैं बाहर में। तो गाइस, तो मैं इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको दी गई जानकारी कुछ पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और ठीक खड़गपुर स्टेशन के बाहर में ही आपको खाने पीने के लिए इडली, डोसा ये सब भी मिल जाएगी, अवेलेबल है। तो यदि आप भूखे आते हैं तो खाने पीने की कोई कमी नहीं होने वाली है, खा सकते हैं। बाय बाय, टाटा।